मैं हूँ मान्या एंड वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। आजकल एक्ट्रेस नेहा धूपिया को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। नेहा इन दिनों एमटीवी के शो रोडीज रेवोल्यूशन को जज कर रही हैं और इसी शो में कही गई एक बात की वजह से वे लोगों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल शो के दौरान एक कंटेस्टेंट ने जजेस के साथ एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने उसके अलावा 5 और बॉयफ्रेंड बना रखे थे। इतना सुनना ही था कि नेहा धूपिया भड़क गई। जरा देखिए तो रोडीज के शो में आखिर हुआ क्या था। ये तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स, या यू हैवंट टाइड दिस होल पर्सन डाउन एंड से कि ओ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद यू, तो तू अगर जाके चीट करेगी तो मैं ये सब करूंगा। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू, चेक योर सेल्फ फर्स्ट। अगर वो वहाँ जाके चीट कर रही है, मे बी शी वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड बाई यू, मे बी यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फिजिकली मेंटली इमोशनली वट एवर शी नीडेड। डोंट से कि मैं सब करता था। Nobody gives you the fucking right to slap a girl. नेहा धूपिया के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं और नेहा के इस बयान का मजाक उड़ाया जा रहा है। नेहा धूपिया पर भेदभाव करने और फेमिनिज्म को गलत तरीके से बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग नेहा के इस बयान पर अलग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं। मसलन इस वीडियो को देखिए। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? Nobody gives you the right to slap a girl. चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। कुछ लोग मजे लेते हुए नेहा धूपिया से अपने रिलेशनशिप पर सलाम मांग रहे हैं। एक यूजर ने नेहा से पूछा, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है और इसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा, नेहा क्या आप प्लीज उसे बताएंगी कि ये मेरी चॉइस है? अभी तक नेहा की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेहा धूपिया की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास अभिनेत्रियों में होती है और वो अपनी बेबाक और बोल्ड लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में छाई रहती है। रोडीज के शो में जज के रूप में उनका ये अंदाज हमेशा छाया रहता है, लेकिन इस बार नेहा ने ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे जस्टिफाई करना उनके लिए आसान नहीं होगा। नेहा धूपिया के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और MyFM इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप बॉलीवुड के अगले एपिसोड में बॉलीवुड की मज़ेदार गपशप रहेगी जारी। तब तक के लिए बाय-बाय।